नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है 1 अप्रैल और आज से हमारे YouTube चैनल पे आपको एम्स नॉर्सेट को क्रैक करने के लिए एवरीडे एनक्लेक्स बेस्ड MCQs आपको मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो एनक्लेक्स बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस एम्स में पूछे जाते हैं वो सब कवर अप कर लेंगे। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, पीडियाट्रिक है, मेडसर्च है, साइकेट्रिक है, ठीक है, OBG है, फंडा है, हर एक सब्जेक्ट के एनक्लेक्स बेस्ड MCQs जो एम्स में आते हैं वो आपको क्लियर कराएंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा एग्ज़ाम यहाँ क्वेश्चंस में। ओके, तो सब कुछ राउंड द क्लॉक जो बोलते हैं 360 डिग्री पे सब कुछ कवर अप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, यहाँ हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो 1 क्लास है एम्स नॉर्सेट 1 के नाम से है, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका। पहले क्वेश्चन पे सबसे पहले आपको बताऊं, जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला जो होता है हमारा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन को क्लियर तरीके से पढ़ना और उसको समझना। ठीक है, जैसे कि हमारा नर्सिंग प्रोसेस में क्या होता है, असेसमेंट सबसे मस्ट होता है। जब तक असेसमेंट अच्छा नहीं होगा तो उसकी केयर गिविंग होती है वो भी फुल डिलीवर्ड नहीं होती है पेशेंट को। उसी तरीके से जब वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो होता है क्वेश्चन को पढ़ना और उसको समझना। जब आप क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे तरीके से समझेंगे तभी आप उसका राइट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो फोकस ऑन द क्वेश्चन। ओके, सो फोकस ऑन द क्वेश्चन। सो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ टर्मिनल कैंसर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले टर्मिनल कैंसर की बात हो रही है। ठीक है, पेशेंट टर्मिनल स्टेज पे है, कैंसर की टर्मिनल स्टेज पे है, उसकी केयर के टाइम पे। अब बोला है द नर्स शुड कंसीडर विच फैक्टर व्हेन प्लानिंग दी पेन रिलीफ। कौन से फैक्टर्स को नर्स को कंसीडर करके रखना है जब वो पेन रिलीफ के लिए प्लान कर रही है। अब हमारा पेन रिलीफ एक नर्सिंग प्रोसेस का पहला नर्सिंग डायग्नोसिस है, पेन रिलीफ। अब उसके लिए प्लानिंग करनी है और किसके लिए कर रहे हैं ये भी ध्यान रखना है, टर्मिनल कैंसर वाले पेशेंट के लिए। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है नॉट All pain is real. Second में बोल रहा है opioid analgesics are highly addictives. And third में बोल रहा है opioid analgesics can cause tachycardia. And आपका जो next है, और next में आपका पूछा गया है around the clock dosing giving better pain relief than as needed dosing. Okay. अभी आप यहाँ पे pain relief की बात करते हैं। ये जो question है, ये जो option है, ये एकदम गलत है। यहाँ पे लिखा है कि जितने भी पेन होते हैं वो रियल नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। पहला जो है बोला गया है, दूसरे में बोला है कि ओपियोइड एनाल्जेसिक जो है हाईली एडिक्टिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल कैंसर का पेशेंट है तो उस केस में एडिक्शन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, उसका ध्यान ही नहीं रखना है। दूसरा है ओपियोइड एनाल्जेसिक कैन कॉज टैकीकार्डिया। सारे एनाल्जेसिक जो होते हैं ना, ओपियोइड एनाल्जेसिक, वो ज़रूरी नहीं है वो टैकीकार्डिया कॉज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्लानिंग है वो प्लानिंग किस पे डिपेंड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 पे। बिकॉज अराउंड द क्लॉक अगर आप पेशेंट को पेन रिलीफ की जो प्लानिंग आपने की है, डोज आप जो है पेन रिलीफर की जो डोज है वो अराउंड द क्लॉक अगर आप उसे एडमिनिस्टर करोगे तो पेन रिलीफ बेटर होगा एज देन नीडेड डोज। नीडेड डोज का मतलब ये होता है कि ज़रूरत पड़ने पे पेशेंट को अगर आप देंगे तो इससे क्या होगा, पेशेंट में फियर एंड एनजाइटी की कंडीशन बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको नीडेड डोज देने की जगह आपको अराउंड द क्लॉक एकदम फिक्स टाइमिंग पे पेन रिलीफ एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को, जिससे कि पेशेंट का पेन रिलीफ होगा, एनजाइटी एंड फियर भी सबसाइड होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है एकदम करेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा जो टेस्ट की टेकिंग स्ट्रेटजी होती है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए वो मैं आपको समझाती हूँ। अब आपको ये पढ़ना होगा जो मैंने यहाँ पैराग्राफ में लिखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फोकस ऑन व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग एंड द फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन द प्लानिंग द पेन रिलीफ एंड कंसीडर द क्लाइंट्स डायग्नोसिस ऑफ टर्मिनल कैंसर। अराउंड द क्लॉक डोजिंग प्रोवाइड द इंक्रीज्ड पेन रिलीफ एंड डिक्रीज द स्ट्रेसर एसोसिएटेड विद द पेन। अब क्या होगा, अराउंड द क्लॉक डोजिंग करने से क्या होगा, जो पेन रिलीफ है वो पेन काफ़ी रिलीफ हो जाएगा, और जब पेन होता है तो पेन की वजह से होने वाले जो स्ट्रेसर्स हैं, ठीक है,
वो स्ट्रेसर जो पेन के साथ एसोसिएट करते हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, जैसे कि एनजाइटी है, फियर है, ठीक है। पेन इज व्हाट द पेशेंट इज डिस्क्राइब्ड इट एंड एनी इंडिकेशन ऑफ पेन शुड बी परसीव्ड एज रियल फॉर द क्लाइंट। और जो भी पेन क्लाइंट परसीव कर रहा है वो रियल है पेशेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा था कि ऑल पेन इज नॉट रियल, वो ऑप्शन नंबर एकदम गलत है। और ऑप्शन नंबर 2 में बोला था कि ओपियोइड एनाल्जेसिक मे बी एडिक्टिव, ठीक है, सारे ज़रूरी नहीं है सारे एनाल्जेसिक एडिक्टिव हो, लेकिन हो भी सकते हैं, बट अभी पेशेंट टर्मिनल कैंसर का है तो उससे ये कंसर्न नहीं है एडिक्शन का, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि सभी ओपियोइड जो हैं वो टैकीकार्डिया कॉज नहीं करते हैं। सो रिमेंबर टू फोकस ऑन व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, ओके। सो इसी के साथ नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पर, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु जस्ट रिटर्न फ्रॉम द रिकवरी रूम आफ्टर अंडरगोइंग द एब्डोमिनल सर्जरी, ठीक है। आफ्टर बोला गया है, जो कि एब्डोमिनल सर्जरी करवा कर आ चुका है, ठीक है, पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी हो चुकी है, ओके। अब वो कहाँ पर है, रिकवरी रूम में है, ठीक है। जस्ट रिटर्न फ्रॉम द रिकवरी रूम आफ्टर अंडरगोइंग एब्डोमिनल सर्जरी, ठीक है, यानी कि वार्ड में आ गया है पेशेंट। पेशेंट वार्ड में आया है, कहाँ से आया है, रिकवरी रूम से आया है, और उसका एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है अभी। द नर्स शुड मॉनिटर फॉर विच अर्ली साइन ऑफ हाइपरवोलेमिक शॉक। अब यानी कि यहाँ पे सिंपल सा देखो क्या फंडा है, इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि यहाँ पे सिंपल से यही पूछा गया है, हाइपोवॉलेमिक शॉक के अर्ली साइन आपको बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना होता है, क्वेश्चन में लेट साइन भी पूछे जाते हैं, अर्ली साइन भी पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एम्स क्लियर आपको करना है। और आपको एम्स चाहिए, आपको अपनी रैंक भी चाहिए, बेस्ट रैंक चाहिए, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन को समझना होगा। द नर्स शुड मॉनिटर फॉर विच अर्ली साइन ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो पहला ऑप्शन है स्लिपिनेस। क्या स्लिपिनेस होता है अर्ली साइन ऑफ हाइपरवोलेमिक शॉक? नो। इंक्रीज्ड पल्स रेट, ओके, इंक्रीज्ड पल्स रेट को हम थोड़ा मान सकते हैं। तीसरा है इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, एंड फोर्थ है इंक्रीज्ड ओरिएंटेशन टू द सराउंडिंग। तो ये भी गलत है, अपने सराउंडिंग की ओरिएंटेशन इंक्रीज होना तो और ज़्यादा बेटर है और अच्छी बात है, बट ये साइन ऑफ हाइपरवोलेमिक शॉक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है, पल्स रेट का इंक्रीज्ड होना, जिसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया, जिस टर्म को हम बोलते हैं टैकीकार्डिया, जो कि अर्ली साइन है हाइपोवॉलेमिक शॉक का। जब बॉडी में हाइपोवॉलेमिया क्रिएट होगा तो उस कंडीशन में हार्ट का जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिस कंडीशन में पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा। अब ये पूरी लाइन आपको पढ़नी होगी जो कि बहुत हेल्प करने वाली है आपके एग्ज़ाम में। नोट दी स्ट्रैटेजी वर्क, यहाँ पे स्ट्रैटेजिक जो वर्ड यूज़ किया था क्वेश्चन में वो आपको नोट करना है, जो कि बोला गया है अर्ली, अर्ली अर्ली बोला गया है ना आपसे इन द क्वेरी। सो द वर्ड जस्ट इन द इवेंट थिंक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी एंड अकर इन हाइपोवॉलेमिक शॉक डायरेक्ट यू टू करेक्ट द ऑप्शन। सो रेस्टलेसनेस, अब यहाँ पे रेस्टलेसनेस बोला है, जो कि एक अर्ली साइन होता है किसी भी कार्डियोवास्कुलर चेंजेस का, जैसे कि इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट का इंक्रीज होना और बीपी का डिक्रीज होना, और वो कॉज करेगा पेशेंट को रेस्टलेसनेस, ओके। अब यहाँ पे बोला गया है स्लीपीनेस, स्लीपीनेस एक्सपेक्टेड है क्योंकि क्लाइंट जो है अभी सर्जरी से रिटर्न हुआ है तो वो एक्सपेक्टेड है। ऑल थ्रो इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन अकर इन हाइपोवॉलेमिक शॉक, ओके, हाइपोवॉलेमिक शॉक में रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेशन डेप्थ होती है वो इंक्रीज होती है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में पूछा गया है। बट यहाँ पे आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो एक अर्ली साइन नहीं है, ओके, उसे अर्ली साइन हम नहीं बोलेंगे, ओके। सो रैदर इट अकर एज अ शॉक प्रोग्रेसेस, ये जब शॉक प्रोग्रेस होता है तब अकर होता है। सो दिस इज़ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रैटेजिक वर्क। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजिक वर्ड कौन सा है, वो है अर्ली, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वर्ड पे ही सारा क्वेश्चन डिपेंड था, अर्ली साइन लिखा था तो वो अर्ली जो वर्ड है उसी पे डिपेंड था ये पूरा क्वेश्चन। सो यू रीड द क्वेश्चन एंड इट रिक्वायर द एबिलिटी टू डिसकंसर्न बिटवीन द अर्ली एंड लेट साइंस ऑफ इम्पेंडिंग शॉक्स। इंक्रीज ओरिएंटेशन टू द सराउंडिंग इज एक्सपेक्टेड एंड इट विल अकर एज अ इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया रिजॉल्व्स। सो रिमेंबर टू लुक फॉर स्ट्रैटेजिक वर्ड्स इन द बोथ इवेंट्स एंड द क्वेरी ऑफ द क्वेश्चन, ओके। तो ये भी कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
द नर्स प्रोवाइड द मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन टू अ क्लाइंट अबाउट डिजॉक्सिन। अब यहाँ पर डिजॉक्सिन मेडिकेशन की बात हो रही है और नर्स ने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी है रिगार्डिंग द मेडिकेशन। सो विच स्टेटमेंट बाई द क्लाइंट इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स एडवर्स इफेक्ट। तो अब आपको यहाँ पे ये बताना है, जब नर्स ने सारी इंस्ट्रक्शन पेशेंट को दे दी है डिजॉक्सिन के रिगार्डिंग, अब उसके फीडबैक में पेशेंट का स्टेटमेंट जो है वो इंडिकेट करेगा कि पेशेंट जो है इसके एडवर्स इफेक्ट को अंडरस्टैंड कर चुका है, तो कौन सा स्टेटमेंट होगा चार ऑप्शन में से जो ये इंडिकेट करेगा कि पेशेंट अबाउट डिजॉक्सिन मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन समझ चुका है, अंडरस्टैंड कर चुका है, वो आपको बताना है। तो आपको बताना है डिजॉक्सिन के साइड इफेक्ट को, ब्लर्ड विजन इज एक्सपेक्टेड। देन नेक्स्ट है, इफ माई पल्स रेट ड्रॉप बिलो द 60 beats per minute आई शुड लेट माई कार्डियोलॉजिस्ट नो। ओके। एंड थर्ड है, दिस मेडिकेशन मे कॉज द हेडेक एंड वीकनेस बट दैट इज नथिंग टू वरी अबाउट। सो नेक्स्ट है आपका, इफ आई एम नोजिएटेड और वॉमिटिंग आई शुड स्टे ऑन द लिक्विड्स एंड टेक सम लिक्विड एंटासिड्स। तो आपको यहाँ पे देखना है, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि डिजॉक्सिन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और चार ऑप्शन में से मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, बिकॉज डिजॉक्सिन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो है ब्रेडिकार्डिया व्हेन द पल्स रेट ड्रॉप्स एंड बिलो द 60 beats per minute, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। ठीक है, तो पल्स रेट अगर 60 बीट्स पर मिनट से ड्रॉप हो रही है तो आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट को ये इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है या उनको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे थोड़ा आपको स्ट्रैटेजी समझा देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नॉर्थ साइड क्लियर करना है तो आपका बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ साइड क्लियर करना ऐसी आम बात नहीं है कि बस पढ़ लिया जैसे मर्जी हो गया, बट नहीं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर होना चाहिए तब जाके आपका एम्स क्रैक होगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर हम पूरा ये पढ़ लेते हैं, दिस क्वेश्चन इज़ दी एग्जाम्पल, आप पहली लाइन से पढ़ो जो मैं पढ़ रही हूँ, दिस क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इवेंट क्वेरी क्वेश्चंस, नोट द वर्ड इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग एंड फोकस ऑन द सब्जेक्ट एडवर्स इफेक्ट। ये आपको क्वेश्चन का मतलब समझा रहा है, ये जो लाइन है ना ये आपको समझा रहा है क्वेश्चन को। सो एडिशनली फोकस ऑन द डाटा प्रोवाइडेड इन द ऑप्शंस। ठीक है, यानी कि यहाँ बोला है क्वेश्चन पे ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में लिखा था कि अंडरस्टैंडिंग और लिखा था सब्जेक्ट पे फोकस करो, जहाँ लिखा था एडवर्स इफेक्ट, यानी कि क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा गया ये गया था कि डिजॉक्सिन के आपको साइड इफेक्ट बताने हैं चार ऑप्शन में से, लेकिन उसको ना एम्स क्या करता है घुमा फिरा के पूछता है। तो ये स्ट्रैटेजी है एम्स नॉर्थसेट की एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, सो आपका नेक्स्ट लाइन है, डिजॉक्सिन इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड एंड वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो डिजॉक्सिन क्या है, एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जिसका वर्क क्या होता है, टू इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द हार्ट, एंड दिस मेडिकेशन हैज अ नैरो थेरेप्यूटिक रेंज, इसकी एक नैरो थेरेप्यूटिक रेंज होती है, एंड इज द मेजर कंसर्न इज टॉक्सिसिटी। तो इसका मेजर कंसर्न टॉक्सिसिटी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। Currently it is considered second line treatment for heart failure. अब क्या करा गया है, अब डिजॉक्सिन को करंट में सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट फॉर हार्ट फेलियर को रखा गया है बिकॉज ऑफ नैरो थेरेप्यूटिक रेंज एंड पोटेंशियल फॉर एडवर्स इफेक्ट। इसका थेरेप्यूटिक रेंज जो है वो नैरो है और जो एडवर्स इफेक्ट है वो ज़्यादा हैं, इस वजह से इसे सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में रखा गया है। एडवर्स इफेक्ट दैट इंडिकेट द टॉक्सिसिटी इंक्लूड द GI डिस्टर्बेंस, जो टॉक्सिसिटी होती है डिजॉक्सिन की वो उसमें इंक्लूड होता है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़, ब्रेडिकार्डिया और अदर कार्डियक इररेगुलरिटीज़ एंड ऑक्यूलर डिस्टर्बेंसेस। इफ़ एनी ऑफ दीज अकर्स द कार्डियोलॉजिस्ट इज नोटिफाइड। ओके, अगर इनमें से कोई भी दिक्कत आपको लगती है, GI डिस्टर्बेंस, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़, ब्रेडिकार्डिया और कोई भी कार्डियक इररेगुलरिटीज़ है, तो आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट को नोटिफाई करना है। ठीक है,
और एडिशनल मैं आपको बताऊं, अगर पल्स रेट ड्रॉप हो रही है 60 बीट्स पर मिनट से, तो बिकॉज सीरियस डिसरिदमिया क्या होता है, ये पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट होता है डिजॉक्सिंग थेरेपी का, जिसमें आपको कार्डियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना होता है। तो ये डिजॉक्सिंग के रिगार्डिंग काफ़ी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जो आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर अभी भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो और अभी भी डाउट कोई रह जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्स हैज़ रीइंफोर्स्ड डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू अ क्लाइंट हु हैज़ अंडरगॉन अ राइट मैसेक्टमी एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड डाइसेक्शन, सो विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट अ नीड फॉर फर्दर टीचिंग रिगार्डिंग होम केयर मेजर्स। यानी कि अब एक नर्स है जिसने कि डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन दिए हैं पेशेंट को, किस पेशेंट को दिए हैं डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन, जिस पेशेंट का राइट मैसेक्टमी हुआ है विद एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन। ठीक है, अब आपको डायग्नोसिस तो चल गया है पता कि राइट मैसेक्टमी हुआ है और साथ में एक्सिलरी लिम्फ नोड का डिसेक्शन भी हुआ है, और उसको नर्स क्या दे रही है, डिस्चार्ज टीचिंग। ठीक है, अब डिस्चार्ज टीचिंग के बाद पेशेंट का कौन सा ऐसा स्टेटमेंट होगा जो ये इंडिकेट करेगा कि पेशेंट जो है अभी भी फर्दर टीचिंग के लिए उसे ज़रूरत है और वो होम केयर मेजर्स को नहीं समझ पाया है, तो आपको बताना है। आई शुड यूज़ रेजर, स्ट्रेट रेजर टू शेव अंडर माई आर्म्स। ठीक है, ये पहला ऑप्शन था। आई नीड टू बी श्योर दैट आई डू नॉट हैव ब्लड प्रेशर और ब्लड ड्रॉन फ्रॉम माई राइट आर्म्स। ओके, सो अब यहाँ देखना, यहाँ पर राइट मैसेक्टमी हुआ है ना, यहाँ ध्यान रखना है, तो इसलिए राइट आर्म्स की बात कर रही है ये। तो यहाँ पे बोल रही है कि मैं हमेशा ध्यान रखूँगी कि राइट आर्म से कोई भी ब्लड ड्रॉ ना करे और बीपी ना ले मेरा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, आई शुड इन्फॉर्म ऑल ऑफ द अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर दैट आई हैव सर्जिकल प्रोसीजर। उसने कहा है कि मुझे सारे ही अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को इन्फॉर्म करना होगा कि मेरा सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, आई नीड टू बी श्योर टू वियर थिक मिट हैंड कवर और यूज थिक पॉट होल्डर व्हेन आई एम कुकिंग एंड टचिंग हॉट पैन्स। यहाँ पे बोला है कि वो थिक जो है हैंड कवर लेगी और थिक पॉट होल्डर यूज़ करेगी जब वो कुकिंग करेगी या किसी हॉट पैन को टच करेगी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 है, बिकॉज बाकी की जो स्टेटमेंट है वो पेशेंट के एकदम ठीक है, बट अगर पेशेंट ऑप्शन नंबर 1 में बोलता है तो उसका मतलब है कि पेशेंट अभी बात को नहीं समझ पाया है, उसे फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है, बिकॉज उसने कहा है आई शुड यूज़ स्ट्रेट रेजर टू शेव अंडर माई आर्म्स। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा टेस्ट की जो टेकिंग स्ट्रेटेजी है वो जान लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव इवेंट क्वेरी। ठीक है, ये नेगेटिव इवेंट क्वेरी का एग्जाम्पल था, और नोट द स्ट्रेटेजिक वर्ड। अब जो स्ट्रेटेजिक वर्ड है उसको नोट करना है कि क्वेश्चन में लिखा था नीड फॉर फर्दर टीचिंग, फर्दर टीचिंग के लिए नीड है पेशेंट को, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था। अब आपको बताना है जो ये स्ट्रेटेजिक वर्ड्स है वो क्या इंडिकेट करता है, दैट यू नीड टू सेलेक्ट ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई इनकरेक्ट क्लाइंट स्टेटमेंट। यानी कि अब आपको चार ऑप्शन में से ये आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है जो कि पेशेंट बोलेगा अबाउट द मासेक्टमी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम ठीक था, जो कि इनकरेक्ट था अबाउट मासेक्टमी, जो पेशेंट का स्टेटमेंट था। ठीक है, लिम्फ एडिनोपैथी विद द एसोसिएटेड लिम्फ एडिमा कैन रिजल्ट एंड द क्लाइंट नीड टू बी इंस्ट्रक्टेड इन द मेजर दैट विल अवॉइड ट्रॉमा टू अफेक्टेड आर्म्स। यानी कि जो अफेक्टेड आर्म में मासेक्टमी हुआ है उस आर्म्स में ट्रॉमा को अवॉइड करना है। ठीक है, बिकॉज उसके वजह से पेशेंट को लिम्फ एडिनोपैथी एंड एसोसिएटेड लिम्फ एडिमा की कंडीशन हो सकती है। सो रिकॉलिंग दैट ट्रॉमा टू बी अफेक्टेड आर्म्स कुड पोटेंशियल रिजल्ट इन एडिमा एंड इन्फेक्शन एंड विल डायरेक्ट यू टू कंट्रोल द ऑप्शन, करेक्ट द ऑप्शन, रिमेंबर टू वॉच फॉर नेगेटिव इवेंट क्वेरीज। सो यानी कि मतलब ये है, उसने बोला था कि मैं राइट आर्म्स में अपना स्ट्रेट करके रेजर यूज़ करूँगी, जो कि गलत है, रेजर को यूज़ नहीं करना है आपके अफेक्टेड आर्म्स में, क्योंकि अफेक्टेड आर्म्स में अगर ट्रॉमा हो गया उसकी वजह से लिम्फ एडिनोपैथी एंड लिम्फ एडिमा की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, जो कि इन्फेक्शन लीड कर सकती है और उसके बाद काफ़ी सारा लॉस हो सकता है पेशेंट का, इसलिए रेजर यूज़ नहीं करना है अफेक्टेड आर्म्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज रिसीविंग मॉर्फिन सल्फेट फॉर द पेन, नर्स शुड इम्प्लॉय विच प्रायोरिटी एक्शन इन द केयर ऑफ द क्लाइंट। कैंसर की डायग्नोसिस के साथ पेशेंट रिसीव कर रहा है मॉर्फिन सल्फेट फॉर द पेन, सो नर्स को कौन सी प्रायोरिटी एक्शन जो है केयर ऑफ क्लाइंट में आपको लेना है।
तो मॉर्फिन सल्फेट अगर पेशेंट को रिसीव हो रहा है तो उस समय में आपको स्टूल मॉनिटर करना है, यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना है, फ्लूड इनटेक इनकरेज करनी है या इनकरेज करना है क्लाइंट को कफ करने के लिए और डीप ब्रीथ लेने के लिए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगर पेशेंट मॉर्फिन सल्फेट को रिसीव कर रहा है पेन के लिए तो आपको पेशेंट को कफ एंड डीप ब्रीथिंग के लिए इनकरेज करना है, ठीक है। क्यों करना है वो जान लेते हैं। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यूज़ ABC। अब यहाँ पे ABC की प्रायोरिटी आ गई है जिसमें आपका एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन आ रहा है, ठीक है। तो एयरवे प्रायोरिटी है जो कि ऑप्शन 4 में था, उसमें लिखा था कफ एंड डीप ब्रीथिंग जो कि एयरवे से रिलेटेड है, जो कि आपका टॉप प्रायोरिटी था, ठीक है। रिकॉल दैट द मॉर्फिन सल्फेट सप्रेसेस द कफ रिफ्लेक्स एंड रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स, यानी कि जो मॉर्फिन सल्फेट है वो कफ रिफ्लेक्स एंड रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स को डिप्रेस करता है, सप्रेस करता है, और जो कि कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का, ठीक है। तो कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग जो है कैन असिस्ट विद इंश्योरिंग द एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन। अगर पेशेंट कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग करेगा उसके वजह से क्या होगा, पेशेंट में एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन रहेगा। सिंस द नंबर ऑफ रेस्पिरेशन पर मिनट कैन पोटेंशियली बी डिक्रीज्ड इन अ क्लाइंट रिसीविंग दिस मेडिकेशन। सो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 आर कॉम्पोनेंट ऑफ प्लान ऑफ केयर। जो 1, 2, 3 था वो कॉम्पोनेंट ऑफ प्लान ऑफ केयर था, बट जो करेक्ट ऑप्शन एड्रेस करता है एयरवे एंड ब्रीथिंग से रिलेटेड, जो कि ABC से प्रायोरिटाइज होता है, वो ए था जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे था, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए एयरवे वहाँ नहीं होता, ठीक है, तो ब्रीथिंग होता। अगर ब्रीथिंग नहीं होता तो सर्कुलेशन होता। अगर सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऑप्शन वहाँ होता तो प्रायोरिटी में हम सर्कुलेशन को रखते, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्स केयरिंग फॉर क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग द डिस्टोशिया डिटरमाइंस दैट द प्रायोरिटी इन विच एक्शन, यानी कि एक नर्स है जो कि क्लाइंट को केयर कर रही है जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है डिस्टोशिया, एंड डिटरमाइन दैट द प्रायोरिटी इन विच एक्शन, ठीक है। डिस्टोशिया एक्सपीरियंस कर रहा है तो आपको प्रायोरिटी जो है वो आपको सेट करनी है। तो पहला है पोजिशन चेंजेस एंड प्रोवाइडिंग द कम्फर्ट मेजर्स, एक्सप्लेनेशन अबाउट वॉट इज हैपनिंग टू द क्लाइंट, मॉनिटरिंग फॉर चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ मदर एंड फीटस, री इन्फोर्समेंट ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक लर्न इन द चाइल्ड बर्थ प्रिपरेटरी क्लासेस। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि चेंजेस जो मॉनिटर हो रहे हैं मदर एंड फीटस में, ठीक है, वो आपको मॉनिटर करना है। ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट एंड वुड बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द केयर ऑफ क्लाइंट। जब केयर की क्लाइंट की केयर करेंगे उस समय में जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, बट यहाँ पे प्रायोरिटी, क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा यहाँ लिखा था प्रायोरिटी वर्ड, ठीक है, प्रायोरिटी वर्ड यूज हुआ है क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी टू प्रायोरिटाइज रिमेम्बरिंग द फिजियोलॉजिकल नीड कम फर्स्ट। अब मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के अकॉर्डिंग अगर हम प्रायोरिटाइज करेंगे तो फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं वो फर्स्ट आती हैं पहले। सो करेक्ट ऑप्शन इज ओनली वन दैट एड्रेस बोथ मदर एंड फीटस। रिमेंबर टू यूज द मैस्लो हायरार्की ऑफ द नीड्स थ्योरी टू प्रायोरिटाइज। जब भी प्रायोरिटी क्वेश्चन आता है, जो प्रायोरिटी पूछता है, वहाँ पे आपको मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी टू प्रायोरिटाइज यूज करनी है ऑप्शन को यूज करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ क्लाइंट हु हैड एप्लीकेशन ऑफ राइट आर्म कास्ट कंप्लेनिंग ऑफ पेन एट द रिस्ट व्हेन द आर्म्स इज पैसिवली मूव्ड। तो सो व्हाट एक्शन शुड नर्स टेक फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे बोला गया है राइट आर्म कास्ट एप्लीकेशन हुआ है पेशेंट का जो कि पेन कंप्लेंट कर रहा है रिस्ट में, ठीक है, राइट आर्म्स में कास्ट अप्लाई हुआ है और पेशेंट को पेन हो रहा है रिस्ट में व्हेन द आर्म पैसिवली मूव्ड। सो एक्शन पूछा गया है शुड टेक फर्स्ट। अब क्वेश्चन को पढ़ना, फर्स्ट लिखा है यहाँ पर, यानी कि पहला एक्शन क्या लेना है। अगर पेन है तो सबसे पहला एक्शन जो होना चाहिए, पहला ऑप्शन है एलिवेट द आर्म, सेकेंड है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स, थर्ड है मेडिकेट विद एडिशनल डोज ऑफ ओपियोइड्स एंड चेक फॉर पैरास्थीशियसिस एंड पैरालिसिस ऑफ द राइट आर्म्स। जो पैरास्थीशिया होता है वो चेक करना है और राइट आर्म्स का पैरालिसिस,
ठीक है, ये राइट ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो राइट ऑप्शन आपका फोर है, क्योंकि पैरेस्थीसिया एंड पैरालिसिस राइट आर्म्स का आपको चेक करना है। अब यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी वर्ड आपको यूज़ करके बता देती हूँ, वेट, ओके। सो नोट दिस स्ट्रैटेजिक वर्ड, फर्स्ट बोला गया है जो बेस्ड ऑन द डाटा इन द क्वेश्चन, तो पहला एक्शन पूछा गया है तो आपको वो बताना है। डिटरमाइन वेदर एंड एबनॉर्मलिटी एग्जिस्ट, द क्वेश्चन इवेंट इंडिकेट दैट द क्लाइंट कंप्लेनिंग ऑफ पेन एट द रिस्ट व्हेन द आर्म्स इज पैसिवली मूव्ड, यानी कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पेशेंट को पेन कंप्लेन कर रहा है जब रिस्ट को वो पैसिवली मूव कर रहा है। सो अब कौन सी एबनॉर्मलिटी इंडिकेट होती है, सो देयर फोर फर्दर असेसमेंट और इंटरवल रिक्वायर्ड, ठीक है। सो स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस यूज़ करनी है, रिमेंबर दैट द असेसमेंट इज़ फर्स्ट स्टेप। अब आपको असेसमेंट फर्स्ट स्टेप यूज़ करना है, ओनली ऑप्शन दैट एड्रेस द असेसमेंट इज़ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एड्रेस द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 दिखाती हूँ, ये जो ऑप्शन नंबर 1, 2 और आपको ये 3 दिख रहे हैं ना, ये इम्प्लीमेंटेशन है, इंटरवेंशन है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4th है ना, ये क्या है, ये है आपकी चेक फॉर द पैरेस्थीसिया, ये है आपका असेसमेंट, ठीक है। इंटरवेंशन एंड असेसमेंट में फ़र्क है, 1, 2, 3 जो है आपका इंटरवेंशन है, बट जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका है असेसमेंट, तो ऑप्शन नंबर 4 इसलिए आपका करेक्ट है क्योंकि क्वेश्चन में आपका असेसमेंट पूछा गया था। सो दीज ऑप्शन आर इनकरेक्ट, फर्स्ट एक्शन द नर्स इन कास्ट शुड हैव ऑलरेडी बीन एलिवेटेड, ठीक है। जब आर्म में कास्ट लगता है वो ऑलरेडी एलिवेटेड ही होता है, एंड क्लाइंट मे बी एक्सपीरियंसिंग कंपार्टमेंट सिंड्रोम अ कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग ट्रॉमा टू एक्सट्रीमिटीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कास्ट, जब भी कोई एक्सट्रीमिटी में ट्रॉमा होता है या कोई कास्ट अप्लाई होता है उसके बाद कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है, ठीक है। एडिशनली डाटा नीड टू बी कलेक्टेड टू डिटरमाइन वेदर दिस कॉम्प्लिकेशन इज प्रेजेंट। सो अब आपके नर्सिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है असेसमेंट, ठीक है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे फर्स्ट एक्शन बोला गया था ना, पहला स्टेप, तो पहला स्टेप नर्सिंग प्रोसेस का असेसमेंट होता है, और चार ऑप्शन में से जो चौथा ऑप्शन है वो असेसमेंट था, तो वो आपका राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है जो भी आपको मैं समझा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इतनी हार्ड लैंग्वेज भी नहीं बोल रही, मैं ईजी तरीके से समझा रही हूँ मैं आपको काफ़ी ज़्यादा। सो ये क्वेश्चन है आपका, नर्स रिव्यू द आर्टरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है, तो आपको पीएच देखना होगा 7.45 है जो कि नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पे CO2 लिखा है ना, 30 है, क्या है, CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है 30 है, जो कि डिक्रीज है, ठीक है। एंड आपका कार्बोनेट जो है आपका 22 है जो कि नॉर्मल है। सो नर्स एनालाइज दीज रिजल्ट एज इंडिकेट विच कंडीशन, ठीक है, अगर CO2 डिक्रीज हो गया है तो ये एल्कालोसिस की कंडीशन है, एल्कालोसिस की कंडीशन है। यहाँ पे देखो pH नॉर्मल है, कार्बोनेट भी नॉर्मल है, ठीक है, तो ये कंपनसेट कर रहा है ना, इसने कंपनसेट कर लिया है, सॉरी नॉन कंपनसेट किया, कंपनसेट नहीं किया, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस एक ही कंडीशन में लिखा है आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, बिकॉज ये एल्कालोसिस है क्योंकि आपका CO2 डिक्रीज है, और देखो यहाँ पर pH नॉर्मल है और कार्बोनेट भी नॉर्मल है, तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, बिकॉज अगर एल्कालोसिस की कंडीशन है तो pH आपका pH इंक्रीज हो जाता, और आपका 7.45, अब बात को समझना, आपका जो नॉर्मल pH होता है वो होता है 7.35 से 45, और अभी क्वेश्चन में आपका क्या है 7.45, आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आपका 7.45 है जो कि नियर बाई इंक्रीजिंग है, अगर 4.6 हो जाता तो ये इंक्रीज हो जाता, तो ये नियर बाई है, और वहीं आपका कार्बोनेट भी नियर बाई 22 है, अगर ये 21 होता तो ये डिक्रीज हो जाता, तो दोनों ने ही कंपनसेट किया है बॉडी में, तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, ठीक है, तो इसलिए रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस विथ कंपनसेशन, ठीक है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि ये अनकम्पनसेटेड और कम्पनसेटेड क्वेश्चन में आते हैं, तो इसका मतलब यही होता है, अगर मान लेते हैं रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस है तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस में CO2 तो डिक्रीज ही होगा ना, बट कार्बोनेट और pH अगर नॉर्मल है तो वो कंपनसेट कर रहे हैं, बट अगर वो भी गड़बड़ हो रही है, ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है अनकम्पनसेटेड है, उन्होंने कंपनसेट नहीं किया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो अनकम्पनसेटेड कहलाएगा। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें जो लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं,
वीडियो को एक सेकंड के लिए पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है सब कुछ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स डेवलपिंग अ प्लान ऑफ केयर फॉर अ क्लाइंट विद कैटरेक्ट एंड अंडरस्टैंड दैट विच प्रॉब्लम इज प्रायोरिटी, यानी कि नर्स ने एक प्लान ऑफ केयर डेवलप किया है क्लाइंट का जिसको कैटरेक्ट है, एंड अंडरस्टैंड दैट विच प्रॉब्लम इज प्रायोरिटी। अब कैटरेक्ट वाले पेशेंट के साथ कौन सी जो प्रॉब्लम है वो प्रायोरिटी पे रहेगी वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कंसर्न अबाउट द लॉस ऑफ आईसाइट, पहला कंसर्न ये होना चाहिए लॉस ऑफ आईसाइट। दूसरा है ऑल्टर्ड विजन ड्यू टू ओपेसिटी ऑफ द ऑक्यूलर लेंस। तीसरा है डिफिकल्टी मूविंग अराउंड द बिकॉज ऑफ नीड फॉर ग्लासेस एंड बिकमिंग लोनली बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड कम्युनिटी इमर्शंस। राइट, आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 है, बिकॉज कैटरेक्ट वाले पेशेंट के साथ जो प्रायोरिटी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि पेशेंट का जो विजन है वो ऑल्टर्ड हो जाता है बिकॉज जो ऑक्यूलर लेंस है वो ओपेक हो जाता है, ओपिसिटी हो जाती है। ठीक है, ये प्रायोरिटी प्रॉब्लम, यहाँ क्वेश्चन में पढ़ना, यहाँ पे प्रॉब्लम की बात बोली गई है कि कैटरेक्ट वाले पेशेंट को कौन सी प्रायोरिटी पे प्रॉब्लम रहेगी, तो यही है कि पेशेंट का विजन जो है ऑल्टर्ड हो जाता है क्योंकि उसका जो ऑक्यूलर लेंस है उसमें ओपेसिटी डेवलप हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, सो अब आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, यहाँ से पढ़ लेते हैं। यूज़ दी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ थ्योरी आंसर द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आंसर करते समय मैं आपको मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स को यहाँ पे ध्यान रखना है। सो जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं वो प्रायोरिटी पे रहेगी जो कि इस समय अभी ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, सो कंसर्न एंड बिकमिंग लोनली आर साइकोलॉजिकल नीड्स, ये साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 में बोला गया था, नोट दैट करेक्ट ऑप्शन डायरेक्टली एड्रेस द क्लाइंट प्रॉब्लम। सो रिमेंबर द प्लानिंग इज थर्ड स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम की बात हो रही थी ना, तो यहाँ पे थर्ड स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम जो प्रायोरिटी पे था वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑल्टर्ड विजन ड्यू टू ऑपेसिटी ऑफ द ऑक्यूलर लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स केयरिंग फॉर हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट विद एंजिना पेक्टोरिस। ठीक है, एक नर्स है जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट की केयर कर रही है, ओके, और उसको क्या है एंजिना पेक्टोरिस है पेशेंट को, हु बिगिंग टू एक्सपीरियंस चेस्ट पेन। एंजिना पेक्टोरिस वाले पेशेंट को चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया है, नर्स एडमिनिस्टर नाइट्रोग्लिसरिन टैबलेट। अब नर्स ने क्या करा, नाइट्रोग्लिसरिन टैबलेट जो है सबलिंगुअली जो प्रिस्क्रिप्शन में थी वो दे दी है, बट द पेन इज अनरिलीव्ड, जो पेन है वो अनरिलीव्ड है। द नर्स शुड टेक द एक्शन नेक्स्ट। अब नाइट्रोग्लिसरिन तो दे दी है, पेन रिलीव नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, रीपोजिशन द क्लाइंट, कॉल द क्लाइंट्स फैमिली, कॉन्टैक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एडमिनिस्टर अनदर नाइट्रोग्लिसरिन टैबलेट। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट है, बिकॉज आपको नाइट्रोग्लिसरिन की एडिशनल डोज जो है आपको एडमिनिस्टर करनी है। ठीक है, अगर देखो आप ये सब पढ़ सकते हैं, कोई वेस्टेज नहीं है, सब कुछ आपको समझाने के लिए है, बट आपको यहाँ मैं कहाँ से पढ़ाती हूँ, आपको जो है यहाँ से पढ़ाती हूँ। Recalling that nurse would administer 3 nitroglycerin tablet 5 minutes apart from each other. ठीक है, 3 जो है nitroglycerin की tablet 5 minutes apart जो है each other to relieve chest pain. जो administer हर 5 minutes के aparts में 3 tablet जो है administer करनी होती है। ठीक है, 3 tablets यानी कि 15 minutes में 3 tablets हो गई ना। So hospital's client will assist in directing you to correct option. Remember that the implementation is further step of nursing process 4th. यानी कि आपका यहाँ पे implementation वाला question था ना ये, तो अगर एक उसने already NTG administer कर दी है तो और pain भी relief नहीं हुआ है, तो आपको next 5 minutes में एक tablet administer करनी है और उसके 5 minutes में फिर से एक tablet administer करनी है, जिससे आपकी 3 tablets हो जाएगी in 5 minutes apart of each other. Okay, so ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, एंड आपकी जो क्लासेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ आज के क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे, और साथ में मैंने जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करे हैं वो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। सो आज की वीडियो यहीं तक थी, थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। डेली क्लासेस चलेंगी एम्स नॉर्थ की, बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा। ठीक है, तो डेली क्लासेस लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है,
अपडेट लेने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।